गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय गैलरी ए टू जेड। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि आप अगर सोच रहा है अंडमान आके पोर्ट ब्लेयर में स्टे कर रहे हैं और लाइट एंड साउंड शो का देखने का इच्छा है और आप जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस जगह जाने से पहले और ये लाइट एंड साउंड शो सुनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे गेस्ट होता क्या है उसको पता नहीं होता और डायरेक्ट वहाँ पर चले जाते हैं और जाने के बाद इस मुश्किल आ जाता है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि लाइट एंड साउंड शो आपको देखने जाना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई मैनुअल जो लाइट एंड साउंड शो का टिकट जो है वो मैनुअल आपको वहाँ पर जाके नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। और ये ऑनलाइन बुक कैसे करना है और कहाँ से करना है सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो पहले ही मैं बता दूं कि यहाँ पे जाके गूगल में सर्च करना है ई टूरिस्ट वेबसाइट। खोलने के बाद उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है मैं स्क्रीनशॉट में आपको मेरा टिकट कर जब किया था वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करके रखा था और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ। तो आप इसको ज़रूर देखिए और अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मोबाइल से गूगल सर्च बार में जाके आपको टाइप करना है ई टूरिस्ट। उसके बाद सर्च होने के बाद आपको नीचे जो दिख रहा है वेबसाइट उसको फर्स्ट में क्लिक करना है। ओपन होने के बाद आप आ जाइए रजिस्टर एंड बुकिंग ऑनलाइन में, यहाँ पे प्रोसीड करिए। इसके बाद आपको डेट ऑफ अराइवल जो होता है वो डेट डाल दीजिए, डेट ऑफ डिपार्चर सेम डेट डाल दीजिए। उसके बाद आपका कितना लोगों के लिए आप बुकिंग करना चाहते हो वो आपको पैक्स भी डालना है और इसमें नाम डाल देना है, आपका जो नाम है वो नाम फुल्ली नाम आपको यहाँ पे डालना है, मेल या फीमेल जो भी है वो भी सिलेक्ट करना है और आपका जो एज है वो कितना है वो भी यहाँ पे डालना है। और ये जो है पहले का जो पैक्स है वो भी डालना है, मैं उसको छूट गया था मेरे से तो मैंने बाद में इसको डाल दिया तो आपको दिखाई दे रहा है। अभी दो पैक्स था मेरा, मैं और मेरा वाइफ गया था तो दोनों का डिटेल्स मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर दिख ही रहा है आपको कि एज, जेंडर एंड नेम तीनों डालना है आपको ठीक से। उसके बाद इंडियन और फॉरेनर दोनों से एक सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी कार्ड कोई भी एक वेरिफिकेशन के लिए चुनना है, जैसे कि आधार कार्ड मैंने चुना था। इसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर करेक्टली यहाँ पे डालना पड़ता है, गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको कंट्री चूज़ करना है, उसके बाद आपका स्टेट चूज़ कर लेना है, स्टेट जैसे कि अंडमान निकोबार और चूज़ कर लिया मैंने, इसको यही डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपका जो मोबाइल नंबर है, और नेक्स्ट है ईमेल आईडी, ये बहुत ही इजी है। तो आप उसके बाद ये जो कैप्चर आपको दिख रहा है ये कैप्चर आपको जो कैप्चर यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर भी वो कैप्चर को यहाँ पर डालना है और फिर कन्फर्म रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके ये सबमिट करना है। इसके बाद और एक नेक्स्ट पेज खोल जाएगा, पॉपअप को ओके करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आई हैव टू रीड एग्री कंडीशन को एग्री करके कंटिन्यू करना है, पॉपअप ओके करना है। इसके बाद आपको और एक नया पेज खोल जाएगा, यहाँ कंटिन्यू में ओके करना है। उसके बाद ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे और एक पेज खोल गया, यहाँ पे सारा टाइम और ये सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ यहाँ पे रखा है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा टाइम में आपको विज़िट करना है, जैसे कि 5:50, 6:50, 7:50 ये सारा टाइमिंग है तो इसको चूज़ करना पड़ेगा आपको। तो आपको शेड्यूल वाइज यहाँ पे चूज़ करना है सेकंड शेड्यूल, जैसे मैंने चूज़ किया यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन आ गया, यहाँ पे नाम और डिटेल्स और एज भी आ गया, तो इसको ओके करना है और टाइमिंग के साथ जैसे बुक कर दिया मैंने टाइमिंग के हिसाब से। अभी प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट, अभी इसको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया और UPI हो गया, तो कोई भी एक मेथड आपको चूज़ करना है। सारा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है तो मैंने UPI ID से इजी समझा तो UPI ID में यहाँ पे पुट कर दिया। इस आपका भी यहाँ पे UPI ID पुट कर लीजिए, उसके बाद इसका वेरीफाई करने के बाद आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दिख रहा है आपको मेरा UPI ID जो है वो वेरीफाइड हो गया। अभी पे नाउ में अभी क्लिक करना है, पे नाउ में क्लिक करने के बाद ही आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आपको जिस UPI ID से
पेमेंट करना चाहते हैं उसमें नोटिफिकेशन भेज चुका है और इसी टाइम के अंदर उसको जाके अप्रूव करना है, तो मैं अप्रूव कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जाके मैंने इसका नोटिफिकेशन 600 का जो है पेमेंट था वो मैंने अप्रूव कर दिया। उसके बाद ये सक्सेसफुल हो गया, देख ही रहा है कि पेमेंट कितना इजीली हो गया। और पेमेंट होने के बाद ही आपके जो वेब जो पेज में आप बुकिंग कर रहा था उसी पेज में आपको जाना है। उसी पेज में जाने के बाद ही 1-2 सेकंड के अंदर के आपके अंदर जो टिकट है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इसी तरह आप बहुत इजीली आपका टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। और आप विज़िट करने से पहले एक चीज़ कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपको जस्ट जाके वहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाना है या तो वो डाउनलोड वाला जो टिकट है उसको शो कराना है गेट में, तो आपको एंट्री मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा पहले ही कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।